من فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुबारक महफिल का आगाज खुदा के पाक कलाम के साथ हो चुका है और आप सबके सामने हमारी मेहमान भी यहाँ पे हाजिर हैं। हम दिल की गहराइयों से इनको खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक आपके आने को, आपके उठने बैठने को कबूल मंजूर फरमाए, आपके इल्म और अमल में तरक्की अता फरमाए। मेरी बेटी की तरह है इसलिए मैं बेटियों माँ की तरह ही दुआ दे सकती हूँ। इस महफिल का आगाज़ करने से पहले आप प्यारी आवाज़ माई जवेरिया बेटी की सुने, दो छोटी नातें, इसके बाद माइक जवेरिया साहिबा के हाथ में होगा और फिर पूरा प्रोग्राम इनके हाथ में। 8:30 बजे हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना है, पूरा टाइम आपके हाथ में है। उसके बाद मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ हमारी ख़ास बुजुर्ग खाला, जो हमारी हॉलैंड की मशहूर हमारी खाला है और इश्क रसूल इनके अंदर डूब डूब के भरा हुआ है। इनकी खासियत ये है कि हॉलैंड के किसी भी शहर में महफिल हो, गाड़ी है नहीं है, स्नो हो रही है, बारिश हो रही है, जो हो रही है, ट्रेन और मेट्रो लेके पहुंच जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं खालस दरख्वास्त करती हूँ आप नाज़ शरीफ से महफिल का आगाज करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसलम अलैका या हबीबल्लाह। लब पे नाते पाक के नहमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरे रिश्ता कल भी था और आज भी है। एयर बार द मदर्स एंड सिस्टर्स लीफ के अंदर फंडे इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस महफिल में प्यारे नबी के बात होती है उस महफिल में रहमत की बरसात होती है। उस महफिल में हम सबको आका से मुलाकात होती है। जमीन से अर्श आसम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, खुदा से आज मिलने को मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। मिला था हुक्म मुजस्सम को, जहाँ पे भी वो रुक जाओ, मोहम्मद आने वाला है, बसेते सीम झुक जाओ, मोहम्मद मुस्तफा आए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फलक से दरूद सलाम आ रहा है, जुबान पर मोहम्मद का नाम आ रहा है। हम चूमेंगे रौसे के जाली, इस दिल में बड़ा अरमान है। हम चूमेंगे रौसे के जाली, तुम नबियों में अफजल आला हो, ये शाहे उमन या सरवर दीन। तुम सा नहीं कोई प्यारा नबी, आका मेरा ईमान है। हम चूमेंगे रौसे के जाली, महशर में आका को अपनी हम ढूंढ लेंगे जल्दी से। एक काली से कमली कांधे पर, आका मेरा ईमान है। हम चूमेंगे रौसे के जाली, जब अरसे पे पहुंचा प्यारा नबी, तो देखे हूरों कहने लगे,
सुभान अल्लाह क्या चेहरा है, कुरान की कसम कुरान है, हम चूमेंगे रोजे के जाली, इस दिल में बड़ा अरमान है, हम चूमेंगे रोजे के जाली। बतला दो अमीर इस दुनिया को, सरकार ने अपने हाथों से कुरान जो हमको बख्शा है, बख्शिश का मेरा समान है, हम चूमेंगे रोजे के जाली, इस दिल में बड़ा अरमान है, हम चूमेंगे रोजे के जाली। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसलम अलैका या हबीब अल्लाह। O Allah, Allah had ended from my life and had moist the sand. Allah had best from my dad and had last the sand. And my moist the dad that it you had seen. And also geliefde profeet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vrede zij met hem. Wa afi dawa, alhamdulillah, rabbil alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, mashallah, mashallah. दूसरी नात शरीफ के लिए बगैर टाइम ज़ाय किए हुए मैं गज़ाल जुम्मा सिद्दीकी को दावत देती हूँ यहाँ आए और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه رقت عيناي شوقا ولطيبة ظرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاحدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جدك صوبا لرسول الله محبا برداتي سكنت روحي وجوار الحادي محمد يا طيبة جدك صوبا لرسول الله محبا برداتي سكنت روحي وجوار الحادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول الله انت حبيبي كبرياء اور امام الانبياء دو جہاں کے پیشوا ہو شفعی روزی جزا ہو
रहमतन लिल आलमी हो और इमामुल मुज़नबी हो, फजल रब से क्या नहीं हो, बाद रब के बस तुम ही हो। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका हबीबी या नबी अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बहुत देर आपके और जवेरिया साहिबा के बीच में नहीं रहूंगी। दो चार अल्फाज कि हम आपको मस्जिद तक्वा की जानिब से दिल की गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हम सबको अता फरमाया, और हमारी नौजवान बच्चियों के लिए भी आप एक मिसाल हो सकती हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कम उम्र के अंदर हिफ्ज़े कुरान करना और फिर नात के साथ अपनी आवाज़ का सही इस्तेमाल करना। आवाज़ तो अल्लाह ने सबको दी है, लेकिन उस आवाज़ को कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना, तो ये भी हर एक नहीं कर सकता है। और इतने मुबारक माह में और मुबारक दिनों में आपकी हाजिरी हुई है कि मिराजुन नबी की रहमतें और बरकतें नाजिल हुई हुई हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ पे भी जुमे के दिन मिराजुन नबी की रात है और हफ्ते के दिन इंशाल्लाह 27 रजब है, और आपकी हाजिरी इंशाल्लाह नूर इस्लाम में होगी। बहुत मुबारक दिन और मुबारक घड़ियों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह या एक बहेला रख बिलाय द चुली सना अलमाल ही हुकूमो में दौर दो वेक्स तो ऑफ टाइट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करी कि मिड वीक होते हुए भी सब यहाँ पे हाजिर हुए होंगे। ये मुबारक माह रजबुल मुरज्जब है कि जिसमें हुजूर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज नबी नसीब हुई। मैं यहाँ कोई मेराज के बारे में तकरीर करने नहीं जाऊँगी, नहीं घबराइएगा आप लोग। एक शेर खाली मेराज नबी के हवाले से, और उसके बाद माइक जवेरिया साहिबा के हाथ में। वो मेरी जान भी, जान की जान भी, मेरा ईमान भी, रूहे ईमान भी, महबते वही आयात कुरान भी, और कुरान भी रूहे कुरान भी। नूर बुशरा का ये मिजाज हसीन, जैसे उंगश्तरी में चमकता नगी, आलम नूर में नूर रहमान भी, आलम इंस में पैके इंसान भी। जब हुज़ूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज को तशरीफ ले गए तो आप नूर थे, और जब आप दुनिया में थे तो आप बशरी हालत में थे। तो उसको इतने अच्छे अंदाज में इस्तेमाल किया गया कि आलम नूर में नूर रहमान भी, आलम इंस में पैके इंसान भी। क्या बताऊँ मैं मेराज का वाकया, क्या बताऊँ मैं मेराज का वाकया, मुझसे मत पूछो मेराज का वाकया, है मशीयत के राजों का एक सिलसिला, दिल को उनकी रसाई पे ईमान भी, अक्ल इस रसाई पे हैरान भी। कि हुजूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़े को आप हमसे क्या पूछते कि दिल तो इस पे ईमान भी रखे हुए है, लेकिन अक्ल हैरान भी है कि वो लम्हों में वो सफ़र 18,000 आलमों से होता हुआ और अर्श मौला, फिर उसके बाद ला मकाम पे अल्लाह सुबहाना ताला से बातचीत और मुलाकात और वो वापसी भी कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी गर्म रहा, और एक पल में हुज़ूर पुन्नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज का सफ़र, मेराज फिर उसके बाद इसरा और उसके बाद एराज, तीन हिस्सों में इस सफ़र को तकसीम किया गया है। मक्कातुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक के सफ़र को मेराज कहा गया है। मेराज नबी फिर मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों तक इस सफ़र को इसरा कहा गया है, और उसके मक्कातुल मुकर्रमा से मस्जिद अक्सा तक इसरा है, उसके बाद पहले आसमान से लेकर अर्श मेराज तक मेराज है, और उसके बाद सिदरतुल मुंतहा से और ला मका तक जो हाजिरी हुई उसको एराज का नाम दिया गया है। तो तीन नाम इस वाक़े के हैं। इंशाल्लाह उलमाए कराम से आप सब के बारे में सुनेंगे। यहाँ पे अब मैं बस बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अपनी बेटी हाफिज़ा जवेरिया सलीम साहिबा को दावत देती हूँ कि वो यहाँ अपनी आवाज़ से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। इंशाल्लाह ताला आप नाज शरीफ सलातुस्सलाम तक 8:15 तक अगर आप फारिग हों, फिर हम दुआ, फिर उसके बाद 8:30 पे मगरिब की अज़ान है इंशाल्लाह। और मैं
अपनी बेटी की वालदा को, बहन है उनको भी मुबारकबाद देती हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने ऐसी में एक बेटी अता फरमाई, अल्लाह ताला इनका नसीब आगे बहुत अच्छा करे। तो आप सब खामोशी के साथ, अदब व एहतराम के साथ, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, जो नबी का आशिक है, हम सब नबी के आशिक बन के आए हैं यहाँ पे, नबी की बातें सुनने आए हैं नात की शक्ल में। नबी को हम कुरान की शक्ल में भी हम नबी की बातें सुनते हो, नात की शक्ल में भी और बयान की शक्ल में भी। तो अब आप हुज़रत नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक जिक्र नात की शक्ल में हाफिज़ा जवेरिया सलीम साहिबा की ज़बानी सुनेंगे। मैं बहुत इज्जत एहतराम के साथ आपके हाथ में माइक देती हूँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث مباركة ہے جزاك الله حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو اس پر یہ بات واجب ہے کہ اتنی بلند آواز سے جواب دیں کہ سلام کرنے والا اس جواب کی آواز کو سن لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں مسجد کے تمام ممبران کو، تمام اراکین کو، اور تمام وہ لوگ جنہوں نے محفل سجائی، اور وہ لوگ بھی جو دور سے قریب سے آئے۔ اور مبارکباد کیوں پیش کی جاتی ہے؟ پہلے میں یہ سوچتی تھی جب میں تھوڑی اور چھوٹی تھی کہ مبارکباد کی کیا بات ہے، نہ تو کوئی شادی ہے، نہ کوئی برتھ ڈے ہے، نہ کوئی چیز ہے، تو مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ پھر ایک بار میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا ہے پہلے، کہ جو جو لوگ اس محفل کو سجائیں گے۔ ہم تو بعد میں چنتے ہیں نا کہ کس کو انوائٹ کرنا ہے، کیا کپڑے پہننے ہیں، کیا کھانا بنانا ہے، یہ سب تو بعد کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو عرش پہ تیاریاں شروع ہوتی ہیں کہ کون سا بندہ ہے جس سے یہ کام لینا ہے، کون سا بندہ ہے جس کو اس کام میں داخل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چنتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے گھر بلاوا بھیجتے ہیں، جو جو بہنیں، جو خواتین، جو بچیاں آنے والی ہیں۔ سوچیں ہمارے نام، جو جو آپ کا نام ہے، اپنا اپنا نام ایک لمحے کو تصور کر کے سوچیں کہ آپ کا نام پکارا گیا ہوگا کہ یہ 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 بہن جو ہے وہ محفل میں آئیں گی۔ فرشتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوں گے کہ ان کا نام لکھو، ان کو آنا ہے، ان کا نام لکھو، ان کو بلانا ہے۔ کیسا نصیب ہے، کیسی قسمت ہے۔ یہ بات ہے مبارکباد دینے کی کہ اللہ نے ہم لوگوں کے نام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کے نام ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن سے وہ اپنا ذکر کروائیں گے اور جن کو اس محفل میں وہ خود دعوت دیں گے۔ تو اب بات کرنے کی یہ ہے کہ مبارکباد تو ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہمارا پڑھنا بھی قبول منظور فرمائے، اس محفل میں ہمارا شامل ہونا قبول منظور فرمائے، اس محفل کو سجانا جس نے جتنا جس طرح سجایا، مال سے، جان سے، کام سے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو، سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین۔ تلاوت کلام پاک سے اپنے پڑھنے کا آغاز کر رہی ہوں۔ ایک چھوٹی سی اور گزارش ہے، یہ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا لیکن یہ میرے دل کی بات ہے کہ اگر آپ لوگ جوتے اتار کے پڑھ سکیں، محفل میں شامل ہو سکیں، تو زیادہ ادب کا ایک اور سٹیپ ہم چڑھ جائیں گے۔ جن کے لیے ایزی ہو، ضروری نہیں ہے، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن کیا محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، عقیدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، ادب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك بس
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ثم آمين بجاه النبي الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم حمد یا کلام پیش کر رہی ہوں جس میں ذکر بھی ہے اور جس میں نعتیہ اشعار بھی ہیں تو سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے ذکر میں بآواز بلند میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا ذکر امن ہے ذکر ہے فتح ذکر دوا ہے ذکر ہے شفا نجات ملتی ہے اس کو یقیناً کرے جو قلب سے ذکر اللہ ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل کوئی ہے فرمان رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله عليه لا إله إلا الله سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है शान बड़ी, चाहे गौसे आजम हो या हो दाता हजवेरी। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है शान बड़ी, चाहे गौसे आजम हो या हो दाता हजवेरी। याद नहीं क्या वो मंजर ख्वाजा ने जब खुद चल कर 90 लाख को पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। और अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले चुपके क्या पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले चुपके क्या पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवर दी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पे रखा पत्थर, फिर भी लब पे जारी था, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तमाम लोग मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह। अब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन अल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लून अलन नबी हक नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लमु तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, तो ए ईमान वालों तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजा करो। और शायर ने इस तर्जुमे को, इस मफहूम को अपने शेर में बयान करने की कोशिश की है कि अल्लाह भेजता है दुरूद अपने हबीब पर, अल्लाह भेजता है दुरूद अपने हबीब पर, तो रहमान जो कहता है वो तुम भी किया करो। तो पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन मेरे मौला।
मुस्तफ़ा मेरे मुजतबा सा हसीन आया। जिक्र की महफिलें सजाते हैं, उनके लिए क्या खुशकिस्मती है कि सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, सज गए आका की महफिल को सजाने वाले। अरे मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले, मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले, कहिए सज गए आका की महफिल को सजाने वाले। और दीन मिट जाता अगर खून ना देते अपना, दीन मिट जाता अगर खून ना देते अपना, मेरे महबूब मोहम्मद के घराने वाले, मेरे महबूब मोहम्मद के घराने वाले, कहिए सज गए आका की महफिल को सजाने वाले। और किस कदर प्यारा मुकद्दर है हलीमा तेरा, किस कदर प्यारा मुकद्दर है हलीमा तेरा, कि आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले, आ गए घर में तेरे अर्श पे जाने वाले, कहिए सज गए आका की महफिल को सजाने वाले। और हम सब जब महफिल सजाते हैं तो अपने अपने बजट के मुताबिक या अपनी अपनी इस्तेआत के मुताबिक जब वो डेकोरेशन करते हैं ना, चरागा करते हैं, लेकिन शायर ने कितना प्यारा तरीक़ा बता दिया जिसमें कोई ख़र्चा ही नहीं है और सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन तरीक़ा है कि अपने आशकों से पलकों पे चरागा कर लो, अपने अश्कों से पलकों पे चरागा कर लो, कि मेरे महबूब हैं इस बज़्म में आने वाले, मेरे महबूब हैं इस बज़्म में आने वाले, कहिए सज गए आका की महफिल को सजाने वाले, मेरे सरकार का मीलाद मनाने वाले। एक नात की फरमाइश है और ये भी बहुत पुरानी नात है, मेरी गुजारिश है सबसे इसी तरह मोहब्बत से मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा कि या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई त
तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम तेरा वस्व बयां हो किसे तेरा वस्व बयां हो किसे तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्ला तेरी कौन करेगा बड़ाई इस गर्द सफर में गुम है गर्द सफर में गुम है जिब्रील अमी की रसाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम मा अजमल का तेरी सूरत मा अजमल का तेरी सूरत मा अहसन का तेरी सीरत सल्लल्लाहु अहसन का तेरी सीरत माँ अकमल का तेरी अजमत माँ अकमल का तेरी अजमत तेरी ज़ात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम तेरी एक नजर के तालिब तेरे एक सुखन पर कुर्बा ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे दीवाने ये सब तेरे शैदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या नबी वालेही तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा किसी को इसकी ट्रांसलेशन मालूम है क्या है तू कहाँ और मैं कहाँ इसमें बुलंदियाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीबी बयान करने की कोशिश की है सब मिलकर मेरे साथ पढ़िएगा कि तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा कुरआन अमामा है तेरा इल्हाम जामन कुजा
अल्लाहु अकबर वसल्लम तू को जा मन को जा 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 तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं भटकी हुई प्यास हूँ तू समंदर मैं भटकी हुई प्यास हूँ मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर सिदरतुल मुंतहा तू रुतबा तेरा आवाज़ हक खुतबा तेरा खैरुल बशर रुतबा तेरा आवाज़ हक खुतबा तेरा